सपा नेता आजम खान और नवाब खानदान के बीच लंबे समय से सियासी अदावत है। आजम खान अपनी राजनीति की शुरुआत से ही नवाब खानदान को निशाने पर लेते रहे हैं। चुनाव में वह नवाब खानदान खिलाफ बोलते रहे, अब लोकसभा उपचुनाव में भी दोनों परिवार आमने सामने होंगे। नवाब खानदान की ओर से नवेद मियां तो आजम खान की ओर से उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तजीन फातिमा के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। रामपुर की सियासत में आजम खान और नवाब खानदान का दबदबा रहा है। आजम खान रामपुर शहर से 10वीं बार विधायक बने हैं। वह लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब वह कई कई विभागों के मंत्री बने। दूसरी ओर नवाब खानदान आज़ादी के बाद से सियासत में छाया रहा। नवाब जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियाँ 5 बार सांसद बने, जबकि उनकी पत्नी बेगम नूर बानो 2 बार सांसद बन चुकी हैं। इनके बेटे पूर्व मंत्री काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां लगातार 5 बार विधायक का चुनाव जीते। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान और नवेद मियां अपने सामने रहे, लेकिन आजम खान चुनाव जीत गए और नवेद मियां हार गए। वहीं स्वार सीट आजम के बेटे अब्दुल्ला और नवेद मियां के बेटे हमजा मियां के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की। चुनाव के दौरान आजम खान जेल में थे। उनके चुनाव प्रचार की कमान बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम के हाथ में थी। उन्होंने भी नवाब खानदान पर निशाना साधा, जबकि नवेद मियां ने भी आजम खान पर सियासी तीर चलाए। अब फिर इन दोनों परिवारों के बीच चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। नवेद मियां ने लोकसभा उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की ओर से नामांकन पत्र भी ले लिया। उन्होंने बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की है। नवेद मियां के PRO कासिफ खां का कहना है कि पार्टी हाईकमान मौका देगा तो पूरे दमखम से चुनाव लड़ाया जाएगा। आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खां का कहना है कि नवाब खानदान को जनता नकार चुकी है, उन्होंने रामपुर के विकास के लिए कुछ नहीं किया। इस बार अगर चुनाव लड़े तो फिर जनता उनकी हैसियत बता देगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।